दोस्तों अगर आप विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों तीसरे ओडीआई मुकाबले में ईशान किशन के ऊपर भड़कते हुए नजर आए सभी खिलाड़ी। बता दें आपको पूरी बात, अब तक वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों जब न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम के 385 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, वैसे वक्त पर डियावन गॉन पे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले विकेट तो शून्य रन पर गिर चुकी थी, लेकिन उसके बाद डियावन गॉन पे तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे युजवेंद्र चहल के सामने। दोस्तों ये तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक तक पहुंच चुके थे। शुरुआत अच्छी मिलने के बावजूद भी भारतीय टीम की विकेट नहीं ले पा रही थी, जिसके चलते इन्होंने तूफानी अर्धशतक भी लगाया और शतक के करीब आ चुके थे। तभी डियावन गॉन पे युजवेंद्र चहल की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, क्रीज से आगे आगे बैठे 15 ओवर की 5 गेंद पर, लेकिन उतने में ही ईशान किशन ने इस स्टंपिंग को मिस कर दिया। जबकि कोसो दूर खड़े थे डियावन गॉन पे क्रीज से, जिसे देखकर युजवेंद्र चहल भड़क गए। उन्हें देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गए रोहित शर्मा, और उनके साथ साथ विराट कोहली का कुछ ऐसा ही एक्शन था। दोस्तों डियावन गॉन पे काफी आगे खड़े थे, उतने में भी ईशान किशन उन्हें स्टंपिंग नहीं कर पाए और इस गेंद को छोड़ बैठे, जिसके चलते डियावन गॉन पे को मात्र 52 रन पर ही जीवनदान मिला और वो शतक तक पहुंच गए। लेकिन दोस्तों आप ईशान किशन की विकेट कीपिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं।